सो दोस्तों आज हमारे पास है 125 सीसी की एक दमदार बाइक जिसे आप फैमिली बाइक बोल सकते हो, जिसमें आपको एक फैमिली के लिए जो रिक्वायरमेंट होते हैं सब कुछ आपको पूरी करने वाली है बाइक। इस बाइक का नाम है हीरो की ग्लैमर एक्सटेक, जिसे लॉन्च हुई है 5 या 6 मंथ हो चुके हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। ये कलर है ब्लैक ग्लोसी, जो कि देखने में बहुत अच्छा दिखता है और ये मेरा फेवरेट कलर है। और सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 2 वेरियंट देखने को मिलेगा। पहला आपको ड्रम मिल जाएगा, जिसकी आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ने वाली है 82,900 रुपये, और आपको ऑन रोड प्राइस उसकी पड़ने वाली है 1,100 रुपये के आसपास। और डिस वाले वेरिएंट का आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ जाएगी 87,400 रुपये, और वो आपको ऑन रोड पड़ने वाला है 1,05,000 के आसपास। इस शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, और अगर आप यहाँ पर विजिट करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट ज़रूर मिलने वाला है। और इसके फ्रंट लुक की बात करें तो ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसे दिखने वाली है। हेडलाइट आपको LED मिल जाती है, DRL आपको LED मिल जाएंगे। जब ये ऑन होते हैं बहुत ही गजब के दिखते हैं, मैं आपको ऑन करके दिखा दूंगा। इंडिकेटर आपको हैलोजन बल्ब मिल जाते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइट ही ऑन करके देख लेते हैं। सो ये रही इसकी की, पहले मैं की दिखा देता हूँ आपको। कुछ ऐसी की मिल जाएगी, यहाँ पे आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसको अभी हम ऑन कर लेते हैं। सो आपको इंजन भी ऑन करना पड़ेगा। सो ये सेल्फ रहा, और मुझे लग रहा है बैटरी लो है, सो आपको किक से ऑन करना पड़ेगा। मैं किक से ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। किक से भी कभी कभी बाइक ऑन करनी चाहिए। और 1 मिनट, ऑन हो गई है बाइक। पहले इसका एक जो साउंड ही सुन लेते हैं। सो आप लोग बताओ इसका साउंड कैसा लगा। और भी हम फ्रंट में चलते हैं। सो हेडलाइट की बात की, हेडलाइट ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी। हाई बीम भी ऑन कर देता हूँ। सो ये रहा हाई बीम। हाई बीम पे आपको बहुत अच्छा थ्रो मिल जाएगा। इंडिकेटर हम ऑन कर लेते हैं। सो ये रहा इंडिकेटर। और अभी हम चलते हैं रियर वाले सेक्शन पे, और टेल सेक्शन हम देख लेते हैं। टेल लाइट ये आपको LED मिल जाती है, जो कि ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी। और इंडिकेटर आपको रियर का कुछ ऐसे मिल जाएगा। सो रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। और अभी हम सबसे पहले बाइक को ऑफ कर देते हैं और चलते हैं इसके फ्रंट में। सो ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसे दिखने वाली। हेडलाइट तो आपको LED मिल ही जाती है। और इसके मडगार्ड की बात करें तो आपको ब्लैक कलर ग्लोसी फिनिश मिल जाएगा, और यहाँ आपको सिंपल ब्लैक मैट फिनिश मिलने वाला है। सस्पेंशन की बात करें, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और रियर में आपको मिल जाएगा डुअल शॉक एब्जॉर्बर, जो कि कुछ ऐसे रहने वाले हैं। और फ्रंट में चलते हैं, इसके टायर की बात करें सो आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा, जो कि आपको ब्रांड मिलने वाला है MRF का। टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलने वाला है 80x100 का, और रियर का भी आपको सेम ही मिल जाएगा मुझे लगता है। हम देख लेते हैं एक बार, टायर साइज़ चेक कर लेते हैं। सो रियर का टायर साइज़ कहाँ पे गया। रियर में भी आपको सेम ही मिलने वाला 100x80 का टायर साइज़। और अभी हम फ्रंट में चलते हैं। व्हील की बात करें तो आपको अलॉय व्हील मिल जाएगी, जो कि कुछ ऐसे रहने वाली है। साइज़ आपको 18 इंच मिल जाएगी फ्रंट एंड रियर में। और इसके व्हील के ऊपर आपको व्हाइट कलर का स्टिकर वर्क देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ में ग्लैमर की ब्रांडिंग, ये मैच भी कर रहा है इसके ग्राफिक्स को, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मैच भी कर रहा है। और ब्रेक की बात करें तो आपको इसमें 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, एक डिस एंड ड्रम। उसी हिसाब से इसकी प्राइस भी कम ज़्यादा मैंने आपको स्टार्टिंग प्राइस बता दिया है। फ्रंट में आपको डिस मिल जाएगा डिस वाले में, रियर में आपको ड्रम, और ड्रम में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको ड्रम मिलने वाला है। और ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाता है IBS, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप रियर ब्रेक लगाते हो तो आपका अगला ब्रेक भी लगेगा, जैसे CBS काम करता है वैसे ही काम करने वाला, सिर्फ नाम ही बदल दिया गया है बस। और यहाँ पर आपको लेग गार्ड मिल जाएगा, हॉर्न यहाँ पर आपका है, और ये रहा कैटलेटिक कन्वर्टर, जिसे हम BS6 की पहचान मानते हैं। और ये रहा इस बाइक का इंजन। यहाँ पे आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाएगी, किक मिल जाएगा आपको इसमें, राइडर फुटरेस्ट, ब्रेक पैड आपका हो गया। सो ये इंजन कुछ ऐसे दिखने वाला है। FI की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाएगी, ऐसा कुछ स्टिकर वर्क, एंड ये सिल्वर कलर का आपको स्टिकर वर्क मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और ग्लैमर लिखा हुआ मिल जाएगा 3D में, काफ़ी कड़क दिख रहा है। सो इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। ये रहा आपका टैंक काउल, टैंक आपको मेटल वर्क के साथ में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको RCS की ब्रांडिंग, ऐसा कुछ डिज़ाइन, हीरो की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी सीट काउल पे, और ये आपको ब्लैक मैट फिनिश मिल जाएगा, ये ग्लोसी में है। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिलियन राइडर फुटरेस्ट। ये रहा आपका एग्जॉस्ट, साइलेंसर मफलर मिल जाएगा मेटल वर्क के साथ में। सो ये बाइक इधर से कुछ ऐसे दिखने वाली है। अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की, जो कि बहुत जरूरी होता है हर बाइक के लिए। इसके इंजन की बात करें तो आपको मिल जाएगा 124.7 सीसी का इंजन, जिसकी पावर आपको मिलने वाली 10.7 PS एट 7500 RPM, और आपको टॉर्क मिल जाएगा 10.6 Nm एट 6000 RPM। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, 2 वाल्व, एयर कूल FI, और साथ में आपको मिल जाता है 5 स्पीड गियरबॉक्स। अभी हम थोड़ा दूर से देख लेते हैं इस बाइक का व्यू। ये बाइक राइट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाली है। अभी आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी। और अभी हम चलते हैं इस बाइक के रियर वाले सेक्शन पे, और टेल सेक्शन की हम बात कर लेते हैं। रियर से ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। यहाँ पे आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ये सब आपको ब्लैक मैट फिनिश में मिलने वाला है। टेल लैंप की बात करें तो आपको LED मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगा। ये रहा रियर का मडगार्ड, इंडिकेटर आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे। सो ये बाइक रियर से कुछ ऐसे दिखेगी। अभी हम चलते हैं इसके लेफ्ट साइड में।
लेफ्ट साइड यहाँ पे आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जैसे हमने उधर देखा था। सीट खोलने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेडीज फुटरेस मिल जाएगा विद सारी गार्ड, ऐसा कुछ रहने वाला है। कवर किया है, जब डिलीवरी होगी तब निकाल के दे देंगे और बाकी सारी चीज़ें इंस्टॉल भी कर देंगे। और चैन कवर, पिलियन राइडर फुटरेस, साइड स्टैंड एंड डुअल स्टैंड आपको दोनों मिलने वाला है इसमें। ये रहा आपका राइडर फुटरेस, ये रहा गियर पैड। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलने वाला, पहला आपका नीचे लगेगा, बाकी के सब पीछे लगने वाले हैं। और ये रहा इसका इंजन, हीरो की ब्रांडिंग, लेग गार्ड, हॉर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड आपको सेम स्टिकर वर्क मिलने वाले हैं जैसे आप लोगों ने उधर देखा था। I3S की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाएगी और ग्लैमर आपको 3D में मिलने वाला है टैंक पे। सो ये रहा इसका टैंक। अभी हम थोड़ा दूर से देख लेते हैं, लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसी दिखेगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी। मुझे ये कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ब्लैक एंड ग्लोसी। और अभी हम चलते हैं इसकी सीट की बात कर लेते हैं। सो ये रही इस बाइक की सीट, आपको कुछ ऐसी सीट मिल जाएगी। अभी तो फिलहाल इसमें सीट कवर लगा दी गई है, इसमें आपको कुछ नहीं अच्छी मिलने वाली। राइडर एंड पिलियन राइडर को कम्फर्ट अच्छा मिल जाएगा और आपको ऐसा कुछ गैबरे मिलने वाला जो कि आप देख रहे हो, ब्लैक एंड ग्लोसी फिनिश में है। और भी हम बात कर लेते हैं इसके टैंक की। ये रहा इसका टैंक जो कि इस बाइक की हाईलाइट है। दोनों तरफ आपको ग्लैमर लिखा हुआ मिल जाएगा 3D में, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। ये रहा आपका फ्यूल कैप, और फ्यूल टैंक आपको मिल जाएगा 10 लीटर का, जिसकी माइलेज आपको मिलने वाली मेरे हिसाब से 65 के आसपास आपको आराम से मिल जाएगी, बाकी डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हो। और भी बात कर लेते हैं इसकी मीटर कंसोल की, इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। सो ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आपका RPM शो करेगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये आपका स्पीड बताएगा, ये आपका टाइम बताएगा और कितना किलोमीटर बाइक चली यहाँ पे बताने वाला है। इसमें आपको फील, एफिशिएंसी, ब्लूटूथ कनेक्ट करने का ऑप्शन, एंटन बाई 10 नेविगेशन, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सेलेक्ट एंड रिसेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, न्यूट्रल, इंडिकेटर, इंजन माल फंक्शन लाइट। सो आपको कुछ ऐसा मीटर कंसोल मिल जाएगा। साइड साइड में ये अलग सा आपको टेक्सचर मिलने वाला है और की आपकी ये रही, यहाँ पे आपकी की लगेगी और यहाँ पे भी आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अभी हम रेसिंग हैंडल बार की बात कर लेते हैं। थ्रोटल, ब्रेक लीवर, I3S की स्विच। I3S के बारे में आपको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। अगर ये ऑन करते हो, I3S आपका तभी काम करेगा जब आप इस बाइक को 5 या 6 किलोमीटर चला चुके होगे, तभी काम करने वाला है। अगर आप ट्रैफिक में फंस जाओगे तो बार बार बाइक को की से ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपकी बाइक ऑफ हो जाएगी। जब आपको स्टार्ट करना होगा तब आप क्लच प्रेस करके आसानी से बाइक को स्टार्ट कर सकते हो, उससे आपके माइलेज पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। हीरो कंपनी ऐसा क्लेम करती है आपकी 15% माइलेज इंक्रीज होती है अगर आप ये I3S यूज करते हो। तो मैं ये बोलता हूँ अगर 15% माइलेज नहीं इंक्रीज हो कोई बात नहीं, 10% भी माइलेज इंक्रीज होती है तो भी बहुत बड़ी बात है हमारी, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो I3S यूज करना चाहिए, ये काफ़ी यूजफुल रहने वाला है हमारे लिए। और इधर की स्विचेस की बात करें तो यहाँ आपका मिल जाएगा अपर डिपर, या इंडिकेटर, या हॉर्न हो गया, या पासिंग, या आपका क्लच लीवर, और मिरर आपको कुछ ऐसे मिलने वाले, मैं दिखा देता हूँ। और आपको फ़ोन चार्ज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, USB का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, आप USB कनेक्ट करके फ़ोन चार्ज कर सकते हो। सो अभी हम बाइक को सबसे पहले ऑफ कर देते हैं। अभी हम इसके डायमेंशन की बात करें, इसमें आपको लेंथ मिल जाएगी 2051 mm, विड्थ आपको मिलने वाले 720 mm, हाइट आपको मिल जाएगी 1074 mm, और इसकी सेटल हाइट आपको मिलने वाले 798 mm, ग्राउंड क्लियरेंस आपको बहुत अच्छा मिल जाता है 180 mm का, और इसका व्हील बेस आपको मिल जाएगा 1273 mm, और इसका वेट आपको मिलने वाला 122 kg। कलर ऑप्शन आपको दो कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं, एक आपको ये मिल जाएगा जो आप देख रहे हो ब्लैक एंड ग्लोसी, दूसरा आपको ग्रे एंड मैट मिल जाएगा। और इसमें स्टिकर के ऑप्शन आने लगे हैं, वो आप शोरूम पे विजिट करोगे तब आपको पता चलने वाला है। सो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी बाइक देख रहे हो जो आप फैमिली पर्पज के लिए देख रहे हो, सोच रहे हो बाइक जिसमें आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाए, लुक मिल जाए, साथ में आपको कंफर्ट भी मिल जाए, माइलेज भी मिल जाए, सो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट रहेगी। इस बाइक की तरफ आप आसानी से जा सकते हो। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये किसकी किसकी फेवरेट बाइक है और कौन कौन लेना चाहेगा, किसके किसके पास है, किसने किसने चलाई है, और कुछ प्रॉब्लम भी हो इस बाइक में तो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।